हाय एवरीवन, तो चलिए आज हम बनाते हैं लच्छा प्याज। तो सबसे पहले हम प्याज को इस तरीके से रिंग में कट कर लेंगे, और रिंग में कट करते हुए वीडियो मेरी मिस हो गई थी तो जस्ट मैंने इस तरीके से कट कर लिया गोल गोल बिल्कुल अच्छे से। और फिर हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। पानी तो अभी ऑलरेडी ठंडा है, तो ठंडे फ्रीज के पानी की कोई नीड नहीं है, बस आप नॉर्मली सिंक के पानी से भी वॉश करोगे तो सही है, ताकि प्याज ना श्रिंक नहीं हो। एक्चुअली सिकुड़ने लगता है प्याज, तो ठंडे पानी से वॉश करने से वो फ्रेश रहेगा। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, और चाट मसाला पाउडर। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और ये हम किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो वेज हो, या फिर नॉर्मल दाल चावल ही क्यों ना हो। आई होप आपको ये आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। और ये नॉर्मली हर घर में सैलड तो सबको पसंद होता है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और खाने के साथ सर्व कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए रेसिपी के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है टाइम फॉर कुक। बाय।